ये तो देखा मैंने एक्स्ट्रा टाइम में गया मैच पर उसके आ, आगे मुझे पता नहीं क्योंकि मैं देख नहीं सकता नवा वाला इंट्रो को क्या हुआ नया वाला इंट्रो भाई कॉपीराइट इश्यूज आ रहे थे नए वाले इंट्रोज में तो मेरे को इसलिए उस नए इंट्रो को बिन करना पड़ा कंट्रीब्यूट टू माय आप कह सकते हो इंटेंशंस मैं चाहता नहीं था मुझे बढ़िया लगा था ग्रीनवुड के बारे में, में बात करूंगा असमतुल्लाह आपने पॉइंट रेज कराइए उत्कर्ष नहीं आ पाया उसका शायद फुटबॉल खेलने गया हुआ तो और काफी टाइम बाद उसका शायद फुटबॉल खेलने आ रहा तो मैंने कहा जाओ खेलने मैं कर लूंगा मेरे को भी नहीं पता यार, क्या हुआ मैं एक बार पूछ रहा था आई एस एल ओपी नो टू ग्रीनवुड हाँ ये अचिन भाई बड़े भाई की शादी थी अच्छा 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 टेबास सीक्रेट एजेंट ऑफ यूनाइटेड नहीं बहुत बढ़िया कुछ बहुत बढ़िया हाँ बट बात देखो ये है कि

मैच अगेंस्ट लिवरपूल इसको भी करूंगा हेड लंच लंच तो खा लिया मैंने लंच खा लिया बट बात यह है कि अभी फाइनेंशियल टाइम्स है एक तो नहीं है इट इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वेबसाइट और काफी क्रेडिबल है इस इसपे काफी आप कह सकते हो तो जो जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आए थे जो यूनाइटेड की नई बिट्स थी वो इस पे पब्लिश हुए थे तो इट इज अ वेरी क्रेडिबल साइट इनकी एक बिजनेस ऑन बिजनेस ऑफ फुटबॉल समिट हुई थी जिसपे मैंने जाने का सोचा था मैं सोच रहा था क्योंकि लंडन में थी लंडन में थी मैंने सोचा मैं भी यार Uh, सोचू चला जाऊं वहां पे जाने का मौका मिले तो टिकट देखी मैंने तुरंत मैंने साइड उसी सा बंद कर दी क्योंकि मुझे जहां तक याद है आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि वो टिकट थी तो कि, की पता नहीं कितने दो हजार पाउंड दो हजार पाउंड के आसपास की नींद में नहीं हो नींद में नहीं हो, हो बारह सौ पाउंड की थी बारह सौ पचास पाउंड की थी कुछ ऐसे पाउंड की रुको मे को याद ही नहीं आ रही रुको मैं बताता हूँ कितने की टिकट बता दो बता दो बताता यस अ गेम मिल गए गे, मिल गए डिजिटल पास खाली डिजिटल पास खाली एक्सेस टू वीडियो खाली एक्सेस टू वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुई है क्योंकि अभी इवेंट तो हो चुकी 418 पाउंड का तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली ठीक है उसके अलावा अटेंडेंट पर्सन का कितना है इन पर्सन पास 1600 पाउंड का सोलह सौ पाउंड का इन पर्सन पास था जो आई थिंक और महंगा था मैंने देखा मेरे पे आ रहा था मैंने सोचा मैं पे आ रहा मैंने कहा कर सकते हो यार लंडन में में अटेंड है थोड़ा आदमी का फायदा पढ़ाई करने का और देखा कि भाई कितने का है सोलह सौ पाउंड का तो मैं ज्ञानी बट फालतू की बात है फालतू की बात है वो सब छोड़ो ब्रो यूके में जॉब का क्या सीन है अवेलेबल और नॉट जॉब्स तो हैं यार बट वो डिपेंड करता है कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हो यार देखो मैं तो लॉ में करना चाहता हूँ लॉ में काफी कॉम्प्लिकेटेड सीन है तो इसलिए आप डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में लेना चाहते हो जॉब वैसे मार्केट तो वैसी इन जनरल जुदी पड़ी वंश भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ बात फालतू हुआ ठीक है तो ये बिजनेस ऑफ फुटबॉल की समिट थी तो इसमें हैवियर टेबल्स फॉर स्पीकिंग द टेबल्सिंग इशू बारसोना पे उन्होंने ये कहा कि बोला कि बेसिकली जो बारसोरना की बारसा ने जो इतने लीवर्स पुल किए थे समर क्या बारसा बेसिकली आप कह सकते हो फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर ना क्या वो फाइनेंशियली अब एक ऐसी सिचुएशन में है जब वो नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं उनको लीवर लीवर पुल नहीं करने पड़ेंगे उनको दस तरह के जुगाड़ नहीं करनी पड़ेगी जस्ट टू साइन सम प्लेयर्स तो टेबास ने कहा कि सिचुएशन हैज नॉट इंप्रूव सिचुएशन हैज नॉट है और अगर आपको मतलब मैं एक्जैक्टली वॉन्ट टू सी फ्रॉम द आर्टिकल जहां से मैंने देखा और बाकी जो मैंने इन जनरल इसके बारे में डिबेट सुन रहा था वो भी आपको मैं बता देता हूँ मोहक भाई यार है नहीं मोह भाई भी इंदौर गए हुए हैं तो मोहक भाई घूम रहे हैं तो उनको मैं क्यों उनके लेजर टाइम पे वहाँ इंडस्ट्री में बहुत है ये सब तो भाई सैलरी आदमी की एक महीने की मतलब वो भी अच्छी सैलरी आपकी महीने की इंडिया में अगर आप अच्छे लेवल पे हो नॉट इवन इंट्रोडक्टरी ठीक है लली का प्रेजेंट हावे टेवासम बार्सोलोना मस्ट रेस टू 177 मिलियन यूरोज एक सौ सतहत्तर मिलियन पाउंड मनी ड्यूरिंग द अपकमिंग समर ट्रांसफर ठीक है अकॉर्डिंग टूर फेल टू मीट ललीगस रेगुलट सीरीज ऑफ इकनोमिका आप लोगों को बता रहा था अभी सारे प्लेयर जो साइन करें फाना फलाना ये स्पीकिंग दाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस ऑफ फुटबॉल समिट जिसका मैं आपको पूरा टिकट की पूरी दास्ता बता रहा था जो मैंने मैं जो खोलते बंद कर दिया बारसरोना है

आपने ब्रूनो के साथ ट्रॉफी उठाई आप अभी आप, आपने खुद एक्नोलेज कर लिया कि इस समय आप पार्ट टाइम कैप्टन ही हो क्योंकि तो आप बेंच पे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपने बहुत अच्छा करा मैं इस बहुत चीज से खुश हूँ एक हम्बल हमारे सबसे हम्बल कैप्टन है ये बात मेरे को माननी पड़ेगी तो मैं बहुत खुश हूँ भाई आपसे वी हैव स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक कंट्रोल्स ये देखो मैंने पढ़ लिया फला 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 ये तो फालतू का इन द केस ऑफ बार्सिलोना दे हैव टू ड्रॉप फ्रॉम फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन वेजेस एंड 650 मिलियन जो बार्सिलोना की इस समय स्पेंडिंग है बेसिकली 532 मिलियन पाउंड टू 450 मिलियन

There is a lot of background to this. एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिटी ललीगा में होती है उनके अगेंस्ट कोई ना कोई डिसीजन ले लिया होता है अब तक बट प्रीमियर लीग इज मोर कोऑपरेटिव क्या होना चाहिए दैट इज अंप्लीटली डिफरेंट डिबेट बट टेबास का ये टेबास कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रहा है कहां से वो बार्सिलोना को एक तरीके से से क्रिटिसाइज कर सके वो वो मौका ढूंढ रहा रहा है है कहीं को नहीं 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 मिल इस इस आप कह सकते सकते हो इस समय ना बिल्कुल किसी भी कोई भी उन पे वो, नहीं लगा है, कोई भी कोई कोई एलिगेशन लगा कीचड़ उछाल मैच हुआ था तो जो एल क्लासिको हुआ था एल क्लासिको से पहले मड्रिड का सर्टन फैंस अराउंड सिक्सटी सेवेंटी जिन्होंने वो की फोटो लगी हुई थी तो टॉन्ट <laughs> कर रहे थे दिखा रहे थे कि रेफरी को पैसे दिए तुमने रेफरी के साथ ये कराया और अपेरेंटली चौदह क्लब इन, इन, इन ला लीगा एज वेल एज डिवीजन उन्होंने अपना अपना एक तरीके से कलेक्टिवली एक ओपिनियन दिया है दे हैव वॉइस्ड देयर कंसर्न देखिए उनको अच्छा नहीं लग रहा काफी नाराज है एंड दे आर काफी दे वेरी डिसअपॉइंटेड विद हाउ बार्सिलोना हैज व्हाटएवर बार्सिलोना हैज डन एंड इसके साथ एक अच्छे से कंक्लूसिव कोई जांच की जाए इसके बारे में एंड इसका कंक्लूजन रीच किया जाए ठीक है कोरोना कोरोना हो गया मेरे भाई बढ़िया हूं मैं बढ़िया ओपी मंसूरिया तो आप कह सकते हो से भी बारसा फेसिंग लॉट लौ, ऑफ ऑपोजिशन समय को आप कह सकते हो तो कहीं ना कहीं कॉर्नर किया जा रहा है एंड दिस इज वॉट एंड दिस इज़ हैपनिंग बेसिकली ठीक है मुझे ट्रॉफी अकेले उठानी त्यारे तो एक आपकी ह्यूमिलिटी एक तारीफ कर रहा हूं यहां पर ह्यूमिलिटी से फ्रैंकी ऑफ एटी मिलियन डॉट टू कम टू अस एंड ऑफ सब ऑफ ट्वेंटी मिलियन मूवमेंट लविंग ओटी एटम

ये हमें पता ही है पैंतीस मिलियन के आसपास ने खर्चा किया था और जो खर्चा वैसे का था इन जनरल वो था सौ मिलियन के नेट तो डेफिसिट तो? में थे इस समर अगर आप बात करो बारसोरोना बिफोर साइनिंग एनी प्लेस हैज टू इंश्योर कि वो दो सौ मिलियन की सेल्स पहले कर चुके तो ये करना अब आप बारसोना का स्क्वाड देख लो तो मैं आप बारसोरोना फैन से ये रखना चाहता हूँ बेसिकली <kcall> दिस uh, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम नहीं कर सकते आप investment आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या दिया आपको दो या तो आप इन्वेस्टमेंट कम करो इन्वेस्टमेंट आप कैसे कम करोगे बिकॉज यू हैव टू गेट इन मोर प्लेयर्स इवेंचुअली यू टू आपको इम्प्रूव करनी है इसका साइड ये बात है जो तिलक ने भी कही थी अभी कि यू कैन गेट अगर आप ग्रीजमैन को ऑफलोड कर दोगे अभी तो ग्रीजमैन को ग्रीजमन की सैलरी काफी ज्यादा थी अभी बार साल पार्टली सैलरी नहीं नहीं पता बट तो ग्रीजमैन को आप ऑलरेडी ऑफलोड कर सकते हो एम नॉट रॉन्ग वो जो उसकी ऑप्शन टू बाय था वो एक्टिवेट कर सकती है

आप एक तरीके से उसका सारा बोझ लाद दोगे आप लपोटा पे तो आई थिंक नॉट द राइट अप्रोच आई डोंट थिंक इट इज द राइट अप्रोच क्योंकि लपोटा obviously को आप एक तो पैंडेमिक आ गया बारसोरोना वैसी ढंग से वॉज नॉट बींग रन क्योंकि वेज बिल इतना शूट अप हो गया था और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी यू आर नॉट विनिंग एस अकॉर्डिंगली तो आपका रेवेन्यू कहीं सफर कर रहा था स्पॉन्सरशिप डिसकंटिन्यू uh, कर दी थी ने 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 सॉरी कर कर दी थी, कर दी थी कर दी थी आई थिंक तो, तो मेरे को जो लग रहा है कि इट इज कहीं ना कहीं बारसा को थोड़ी बहुत ढील तो आपको देनी पड़ेगी थोड़ा बहुत तो आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा बहुत रिलेक्सेशन दोन दे के

how how this is being too strict from अ uh, from Tebas Griezmann will be sold in summer to Atletico Madrid already done वो तो already done है ना वो तो कर चुके <clears throat> हाँ Beaucoup discontinued and we parted our ways from Napster Spotify was paying more. हाँ P K की वेजेस Griezmann की वेजेस और Immutable की वेजेस और कम होगी वेज बिल से but 177 मिलने में आपको still you will have to make substantial people you have to sub, move a lot of people on अब आप किसको move on करोगे Sergio Roberto वगैरा

होट यूट स्पेंड मोर यू कैन गेट आउट अल्टीमेटली बात आती है और दिक्कत ही ये आती है की प्लेयर्स को जो मूव ऑन करेंगे हम जिन प्लेयर्स को हम मूव ऑन करते हैं उन प्लेयर्स को मूव ऑन करने के बाद जिनको मूव ऑन करती है उनका खाली बारसा खर्च सकती है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप किसी पचास साठ मिलियन को खर्च मूव ऑन कर भी सकते हो तो प्लीज से से विल नॉट अच्छे जिन प्लेयर्स को आप मूव ऑन कर सकते हो उन प्लेयर्स को आप चालीस परसेंट सकते हो एंड कोई भी आपका ऐसे बिग टिकट है, प्लेयर्स हैं बेसिकली जो प्लेयर्स है के लिए आप जैसे सत्तर अस्सी मिलियन लेके आ सकते हो फिर बात बची आपकी बचा कौन प्लेयर आपके पास दैट इज ओन फ्रेंकी डॉग इज वन ऑफ दस players विच यू कैन मूव ऑन एंड आई थिंक जिसकी बात चल रही थी जिसको बात सो वॉज रेडी टू मूव ऑन इन द समर लास्ट समर कॉन्ट्रैक्ट वो सारा उसका यूनाइटेड का ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बट फिर फ्रेंकी डिन नॉट वॉन्ट टू गो उसकी पेंडिंग वेजेस बहुत सारे फलाने फलाने इशूज आए थे ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव तो, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि फ्रेंकी की डील इतनी कॉम्प्लिकेटेड है देखो इन टर्मस ऑफ यूनाइटेड क्या लाना चाहती है फ्रेंकी डियंग को क्या टेनाग लाना चाहता है उसमें जीरो डाउट है अभी अगर आप टेनहैक को अपॉर्चुनिटी दोगे टू साइन फ्रेंकी डियोंग इट विल ही विल बी द फर्स्ट प्लेयर ही विल साइन ओवर अ स्ट्राइकर मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं ओजी मैन हमारे को साइन करना ज्यादा जरूरी है बट आई थिंक ही विल गो फॉर फ्रेंकी डियोंग बिफ, इवन बिफोर दैट बट बात आती है अल्टीमेटली कि इफ बारसा रोना इज एबल टू मतलब ये जो दो सौ मिलियन का जो ये कैप डेफिसिट uh, है इसको अगर बार्सिलोना ब्रिज कर देती है लपोटा ने जैसे कहा सौ सत्तर मिलियन कर चुके इज कमिंग बट आई डोंट नो वेयर पार्थ बहुत बढ़िया बहुत सेफ स्टेटमेंट है, है। रफिनिया की भी बात चल रही थी बेचने के वेदांत भाई कह रहे हैं कि रफीनिया को भी शायद बार्सिलोना मूव ऑन कर सकती है इन प्लेयर्स की बात चल रही है तो बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ मूविंग ऑन प्लेयर्स तो आप खाली फ्रेंकी डियोगो कर सकते हो आप डिफेंस पे किसको करोगे कुंडे को करोगे नहीं रोहो को करोगे नहीं क्रिस्टन सिंह को करोगे नहीं आप ठीक है बाल्डे को करोगे नहीं आप

बात सीधे-सीधे होती है कि अल्टीमेटली प्लेयर्स को आप मूव ऑन कर सकते हो आई एलोकेट कर दिया ना मैं कहूंगा लपोटा कराना चाहती है बट दिक्कत अल्टीमेटली यही आ जाती है कि if you have, you have to make कभी आपको ऐसा प्लेयर बेचना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हो बेचना तो क्या वो फ्रेंकी होगा क्या वो रफीनिया होगा क्या वो रफीनिया के देखो आई थिंक फ्रेंकी विल बी दाइए प्राइस टैग जिसके लिए देना पड़ेगा उसके बाद रफीनिया उसके बाद आप कह सकते तो मुझे नहीं कोई भी नहीं तो मैं मोहक भाई भी नहीं है बिग बॉक्स आपको इतने बहुत पैसे बहुत रकम नहीं मिलेगी एरिक गार्सिया के लिए केरला ब्लास्टर बॉक ऑफ अगेंस्ट बेंगलुरु सी फ्री मैं बात की थी इसके बारे में यू आर लैकिंग इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन लैक करी भाई मैंने क्या क्लियर नहीं बताओ ना पड़ेगा इसके साथ साथ मैं रफीना को भी इंक्लूड करना चाहूंगा इसके साथ में फ्रेंट और इसको करना चाहूंगा जो आपके लिए पैसे ला सकते हैं प्लियर्स ठीक है अब बात रही की बारसोना का इशूज क्यों आ रहा है टेबा क्यों भैया भड़ास निकाल रहा है तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था बारसुरना का जो ये

मोस्ट ऑफ इस बिजनेस मतलब सारे क्लब में ही दस परसेंट ले रहा था फॉर अ पीरियड ऑफ फिफ्टी समय ये बहुत बा, इसके बारे में हल्ला हुआ था कि भाई किससे कंसल्ट करके आपने लिया बट उस समय क्योंकि स्पेनिश लीग को बहुत पैसे की जरूरत थी एंड ये बहुत बड़ी ऑब्वियस चीज है की स्पेनिश लीग इज वे बिहाइंड प्रीमियर लीग इन जो उनको पैसा मिल रहा है तो वो पैसे का गैप ब्रिज करने के लिए एक बहुत डेस्परेट मेजर पर रिजॉर्ट कर रहे थे आई वॉट सेज द बेस्ट मेजर बट ये करना चाह रहे थे कि नाइन परसेंट डिजेक्शन क्लब्स में जाएगा उनको इमीडियट पैसा मिलेगा पैसे का इंजेक्शन मिलेगा क्लब्स के पास पैसे की कमी थी तो दे कैन कम्पीट इन द ट्रांसफर मार्केट बट ये थी कि उनको 50 साल के पीरियड में ट्रेड ऑफ़ दे के के देता पड़ेगा तो एक ना कहीं ना कहीं इसमें के, ने भी और बारसोरोना ने भी इसके अगेंस्ट अपना एक पब्लिक स्टेटमेंट निकाला था जिसके ये अगेंस्ट थे ठीक है तो दिस इज समथिंग व्हिच मेड दिस इज समिंग विच बारसो मड्रिड केम अगेंस्ट

ला लीगा में बिटवीन रियल बिटवीन बार्सिलोना एंड बिटवीन ऑल द रेस्ट ऑफ द 18 टीम्स इट इज बाड्रिड बार्सिलोना एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एटलेटिको तो इसको वो काफी टाइम से सही करने की कोशिश कर रहा है आप कह सकते हो एक, एक, एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है एंड ये डील कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की बैलेंस देने का अपॉर्चुनिटी दे दी बट आई थिंक अगर

कहीं ना कहीं आपको उसके आप कह सकते हो तो टर्न और स्ट्रिक्ट स्टांस और एक रिफ्यूजिंग टू तो नेगोशिएट वाला स्टांस उसने लिया है अगेंस्ट बार्सिलोना दिख रहा है हमारे को ठीक है तो दिस वॉज बेसिकली जो पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि क्या पूरी सिचुएशन है बार्सोलोना को कैसे पैसा रेस करना पड़ेगा इन द ट्रांसफर विंडो और क्यों मतलब डील के एक के बैठा हुआ है मैंने आपको प्लेयर्स का भी बता दिया मैंने पूरी सिचुएशन समझा दी आपको आप लोगों को आपके ओपिनियन में मेरे हिसाब से कौन लग रहा है United की सेल कहां पहुंचे? तो इस पे भी but, as Goku भाई चैनल like like, को लाइक like कर दो चैनल को लाइक like कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक वीडियो लाइक द स्ट्रीम जितना आप लाइक like करोगे द विद्गोरिदम और लोग देखेंगे वीडियोस को और लोग देखेंगे स्ट्रीम को मोर पीपल विल कमेंट ठीक है तो मैं पोल डाल देता हूँ एक बार बेसिकली हु डू थिंक विल बार्सिलोना मूव ऑन इन द समर बट उसके बाद मैं ग्रीनवुड की सिचुएशन पे आऊंगा क्योंकि तो मैं ग्रीनवुड का भी पढ़ रहा था यूनाइटेड विल प्रिंस लीडू टॉकिंग पॉइंट है बस पोल डाल दो मैं एक को। और जिन वन फोर्टी नाइन लोगों ने लाइक करा तीन सौ ढाई लोग देख रहे हो तो कहा तीन सौ लाइक तो पहुंचा दो ढाई सौ लाइक पहुंचा दो चलो उसके बाद अब आएंगे मुझे ये बताओ ये अमाउंट एडजस्ट कहाँ होंगी शाश्वत भाई छह महीने बाद आ रहे हैं आप स्ट्रीम पर बाप रे बाप बड़ा टाइम हो गया भैया मेरा वीडियो अटक गया मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पोल डाल दिए ठीक है तो।

वुमेन्स टीम को मेन्स टीम को और जितने भी रेलिवेंट लोग हैं जिनसे पूछ के आप कह सकते हो जिनका कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे अगर ग्रीनवुड पर एक डिसीजन लेने के बाद एक कंक्लूसिव डिसीजन लेने के बाद तो उसके बाद बेसिकली उन सब लोगों को कंसल्ट किया यूनाइटेड ने करेगी एंड एक महीने इन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन कंक्लूडेड कोई फाइनलिटी नहीं है इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस बट बात ये हो रही है कि दे आर समिंग्स विच यूनाइटेड इज कंसिडरिंग अबाउट ग्रीनवुड एक तो ये पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है विच आई थिंक इज टूप आपसे एक पब्लिकली इंटरव्यू कंडक्ट स्काई स्पोर्ट्स ट्विटर पे थोड़ी आप कह सकते हो फेक न्यूज चल रही है जो पीपल जो फालतू की जो क्लाउड लेना चाहते हैं जो फालतू की आप कह सकते हो अटेंशन चाहना चाहते हैं तो वो कह रहे थे स्काई स्पोर्ट्स में रिचर्ड आर्नर के साथ जॉन मर्टो के साथ और रिचर्ड आर्नर्ड के साथ और के साथ ग्रीनवुड एक तरीके से पब्लिक अपॉलोजी देगा इन फॉर्म ऑफ एन इंटरव्यू ऑन स्काई स्पोर्ट्स और उसके आफ्टर दैट ही विल बी इंटीग्रेटेड इन द साइट तो देखो ये कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है इंटरव्यू के एक एज अ ऑप्शन कहीं ना कहीं रखा गया कि इंटरव्यू शायद ग्रीनवुड दे पब्लिकली एक तरीके से अपने आप एक अपनी इमेज अपनी सफाई देने के लिए अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए इंटरव्यू दे उससे कितना फर्क पड़ेगा दैट इज क्वेश्चनेबल एंड वही चीज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या इंटरव्यू की जरूरत है और इंटरव्यू में हमें पता है टीवी के जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपको स्क्रिप्टेड होता है सारा कोई भी बड़ा प्लेयर या कोई भी बड़ी पर्सनलिटी टीवी के इंटरव्यू में आता है तो वो इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं एक वो दे देता है डिसाइड करके कि भाई तुम मुझसे ये पूछ सकते हो तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते और आपको आप कह सकते हो ना ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू जो होता है बिल्कुल सच आपको जो मिलने को लेकर बिल्कुल रॉ इंटरव्यू वो नहीं मिलता आपको कहीं भी इसलिए आई वुड भी अगेंस्ट टीवी का जो अप्रोच है टीवी पे इंटरव्यू लाने के लिए बहुत ही कह सकते तो हो जेस्टर टाइप का होगा फॉर्मेलिटी टाइप की होगी आपने बस करने के लिए चीज कर दी तो मुझे ये समझ नहीं आया आई डोंटली गेट इट ठीक है ड्रॉप चार्जेस uh, है इंटरव्यू होगा द रियलिटी तो उसके लिए ही वो इंटरव्यू किया जाएगा तो मुझे समझ नहीं आया इट विल पब्लिक सुसाइड आई ऑल्सो डोंट सी इट मेकिंग सेंस ठीक है एक ऑप्शन तो ये है एक ऑप्शन ये भी है किस आउट ठीक है क्योंकि

उस प्री सीजन तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा प्री सीजन में इंटीग्रेट करे प्रॉपर मीटिंग होगी और फिर इफ यूनाइटेड मतलब उनके ढंग से हो गया एंड इफ दे आर एबल टू कन्विंस पीपल उनको ढंग से ऑन बोर्ड ला सकते हैं तो वो ग्रीन बोर्ड को शायद इंटीग्रेट भी कर ले तो इंटीग्रेट करना है, ना करना इज ऑन फिफ्टी फिफ्टी राइट अट right जो मुझे तो दिस इज ऑल्सो मेकिंगेटेड एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो केस की जो क्रेडिबिलिटी थी शुरू में वो हर्ट कर रहा है तो मुझे वही लग रहा है कि दिस माइट एंड कुड एंड अपन ग्रीनवुड फेवर की ग्रीनवुड कुड बी एबल टू कम बैक तो मुझे यह समझ नहीं आया आ रहा वॉट

पिछले साल जनवरी में तो क्या मेरे, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? लास्ट ईयर जब ये हुआ था जब उसके पापा ने, जो लड़की के पापा थे उन्होंने जो statement दिया था था में he, he seemed a little opposite, ऐसा लग रहा था कि वो sorry feel कर रहे थे ग्रीनवुड के लिए नॉर्मली अगर गिवन वॉट नेचुरली अगर आप देखो जो नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी फादर का अगर सन इज एट द रिसीविंग एंड तो वो बिल्कुल एक कंप्लीट डिफेंस में आते हैं बहुत एंग्री होते हैं जिस बंदे ने करा है तो

मर्ड्रेड बार यूनाइटेड तो अभी है कहाँ यूसीएल में यूनाइटेड तो अभी है नहीं बट अगले साल आई एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू डू समथिंग गुड थॉट्स ऑन एनडीडी फॉर यूनाइटेड इज ए गुड बैकअप ही इज इंजरी प्रोन उसका फॉर्म ड्रॉप ऑफ हो गया यार आई वुडंट गो फॉर एनडीडी आई डोंट थिंक एनडीडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस टू गो फॉर बट ग्रीनवुड पर इसलिए मैं आ जाता हूं ठीक है अह हम्म

एग्जैक्टली exactly. आपको सबको कंसल्ट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो सबको कंसल्ट करो सबके साथ बैठ के डिसीजन लो तब जाके आप कुछ कर सकते हो तब जाके आप एक सेंसिबल डिसीजन रीच कर सकते हो जो किसी को भी किसी के सेंटीमेंट्स हर, को हर्ट ना करे या किसी एक सब पर्टिकुलर साइड को बहुत ही एज अ फील कराए कि भाई हमारी बात तो सुनी ही नहीं गई विल बारसा सिर्फ एफडीजे भगवान जाने सी व्हाटएवर वो, हैपेंड बट

फर्मिनो uh, आज मेरे भी करेगा एंड इट वुड बी अड मूव फॉरिंग बार्सोना काफी free, free, आप कह सकते uh, रहती है हंट पे रहती है तो आई थिंक इट कुड बी अच बारोना कुम नॉट सो शोर डेड श्योर मैं सकता हूँ

या प्रीमियर लीग में कोई सा टीम साइन करना चाहती है आई थिंक देर मस्ट बी टीम्स ऑन ऑन द लुक आउट फॉर इम लेट्स सी व्हाट हैपेंस अभी तो बस समय आज कल कन, कल कंफर्म ही हुआ है आज ही कंफर्म हुआ है कि फर्मिनो विल बी लीविंग लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीजन वी गो फॉर ओनाना फ्रॉम एवर्टन एज अ बैकअप ऑफ कैसेमिरो अगर एवर्टन रिलीगेट हो जाती है तो वी शुड डेफिनेटली कंसीडर ओनाना व्हाटएवर द सिचुएशन इज मैन यू शुड टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट क्लब इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्लेयर देखो ये

राइट नाउ right तो हमारी अटैंग लाइन इस समय मार्शियल की जरूरत नहीं पड़तीबलीयर हम ग्रीन वुड को रखते वीलरेडी फ्रंट लाइन सॉट थी अगर नॉट डू वॉट तो बात यह आ जाती है की ग्रीन वुड का जो आप कह सकते समय प्लेयर इन क्वेश्चन ऐसा है जो यूनाइटेड के लिए इतनी साइंस पॉजिटिव साइंस दिखा रहा था इंपॉर्टें बन रहा था प्लस इज फॉर अकेडमी तो यूनाइटेड अगर ऐसा एरा गेरा प्लेयर होता ना कोई प्लेयर होता जो आप जिसकी काफी एज होती होता तो यूनाइटेड वुड प्रोबली मेड अ डिसीजन माई नाउ बट दिक्कत है इक्कीस 21. 21 साल का प्लेयर है अगर आप उसको ढंग से इंटीग्रेट कर दो उसका ढंग से रिहेबिलिटन कर दो ही मेंटली आप उसको राइट प्लेस में लाओ तो ही पोटेंशियल ही कुड गुड गेट दैट फॉर्म बैक तो आपको कहीं ना कहीं प्लेयर पैसा खर्चा नहीं पड़ेगा तो अल्टीमेटली बात देखो इसलिए इतनी बढ़ रही है not saying कि दिस जो उसने पोटेंशियल दिखाया था बिफोर वट एवर पोटेंशियल इज ऑफ नो यूज इफ कॉन्शियस इज देयर बिल्कुल सही बात है आई एग्री विद इसलिए मैं मतलब ऑन दिस बिल्कुल जल्दबाजी में

एक मिनट इंडिकेशन विल ब्रिंग ऑफ नेगेटिव पब्लिस इन्क्लाइन टुवर्ड्स नॉट एक्सेप्टिंग द मूर राइट नाउ नॉट एक्सेप्टिंग द नॉट

डीजे मेनली बॉल कैरी करता है तो उसको कोई और जो कि और कोई नहीं करता मतलब हमारे गोल से लेकर लेके की हाफ तक हाँ मतलब फ्रेंकी वाला रोल कोई और प्ले नहीं करता बारसोलो में ही वो अपने ही इज इज ही ओन यूनिक प्लेयर जिसकी बारसोलो में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इसलिए दिखता है कि जब फ्रेंके डिओंग मे बी इज नॉट ऑन फॉर्म और फ्रेंकट डॉंग जब अच्छा नहीं खेल रहा होता तो बार्सो सफर आई आई दैट भाई आई विल डेफिनेटली से दैट अभी तक 465 वोट्स आ चुके हैं और काफी आई आई एम सरप्राइज स्प्रिट दी पोल रिफीना सोलह परसेंट अदर एटीन परसेंट फेरेंट और चौबिस परसेंट फ्रेंकी डिओं तीस परसेंट फ्रेंकी ड्योंग बहुत पीछे भी नहीं है मुझे लग रहा है यूनाइटेड फैंस ने याद है वोट करा है बक्सोदी मुझे पता है पक्का पता है We don't need him back because he will bring so much negative attention to the club, and we already so much thrashed by media. वो बात भी है भाई, वो बात भी है. वो बात भी जरूर है. Are you in for Vegas permanent? यार मैं I'm not sure on Vegas becoming a permanent move. पता है? क्योंकि इस समय देखो गोल्स के मामले में इज नॉट डूइंग मच फॉर अस बट इन टर्म्स ऑफ सिस्टम और प्रेसिंग और और हमारे सिस्टम की इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड पिछले नौ या दस गेम में लगातार दो गोल से ऊपर मार चुकी है विद विदोस ऑन द पिच ऑब्वियसली तो ही ही इज नॉट मतलब वो हमारी टीम को गोल मारने से कहीं ना कहीं वो नहीं कर रहा है इनहिबिट नहीं कर रहा है हमारे को गोल मारने से आप कह सकते हो तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा हमारे लिए कोई दुविधा दुविधा क्रिएट नहीं कर रहा है वो तो ना कोई बाधा क्रिएट कर रहा है तो मेरे को लग रहा है कि Vagos,

की जरूर तो है मेरे को बुस्कट्स जो भी होता है आई थिंक यू हैव टू फील दैट वॉइड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया ऑफ कंसर्न है आपके लिए आई एस एल में कांड हो गया भाई प्ले ऑफ मैच मैंने देखा नहीं है मेरे को अभी यूट्यूब पे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे आते ही सब लोगों ने पॉइंट ट्रेस किया ऑन द स्ट्रीम आई वॉज नॉट अवेर ऑफ इट लेबरपुल की मैच की बात आज या नेक्स्ट स्ट्रीम थोड़ी थोड़ी लेते जाने से पहले देखो मेरे को लेबरपूल तो जीतेगी match, uh, पे है पिछले सात मैच जो एनफील्ड पे हुए हैं उस ड्यूरेशन में सिर्फ एक गोल मारा है एक मैच में जो हम थ्री ए तीन ए खा रहे थे दो हजार अठारह दो हजार उन्नीस में अंडर मुरीनियो दो हजार अठारह में शायद

पिक्ड अप सम फॉर्म बिचले चार मैच में आई थिंक दे वन थ्री मैचेस एंड दे हैव ड्रॉन वन अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ड्रॉ किया एंड दे लॉस्ट दे वन अगेंस्ट एवरटन दे वन अगेंस्ट न्यूकासल एंड नाउ दे हैव वन अगेंस्ट वुल्स वुल्स से न्यूकासल से एवरटन से दोन तो रिकॉर्ड को देखो हमारा रिसेंट एनफीड परिवर्पूल है अपना मैच इन जीत जाती है टू टॉट ने विल भी ओनली थ्री पॉइंट हमारे दस पॉइंट पीछेपूल तो होल सिचुएशन ऐसी आप कह सकते हो ना ऐसी अगर ये मैच जीत जाती है तो लेवरपूल के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम पुश होगा फॉर टू फिनिश इन द टॉप फोर लिवरपूल को हरा देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके मोमेंटम को रोक देंगे एक पॉज लगा देंगे बटन बैलेंस ऑफ पावर इज गंग टू बी बिटवीड एंड लेवर इज ऑन दी अप लेवरपूल इज स्लाइटली ऑन द अप डाउन तो नहीं कहूंगा मैं बट लेवर नीट इज नॉट एट द सेम लेवल एट लीस्ट इन दिस सीजन तो कहीं ना कहीं इस मैच का रिजल्ट बहुत मैटर करेगा एंड इफ यूनाइटेड विंस ये कहीं ना कहीं सीमेंट कर देगा स्टेटस को ऑब्वियसली हमारे को पूरे सीजन का फॉर्म देखो आप वैसे देखो जो यूनाइटेड लिव... 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 लिवरपूल की हालत चल रही तो यूनाइटेड इज बेटर रन ऑफ फॉर्म इज नो डाउट अबाउट दैट बट लिवरपूल को अगर इस मैच में हरा देते हो ना तो एक स्टेटमेंट मिलेगा आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग एंड यू विल मेक लिवरपूल फिनिशिंग इन टॉप फोर उनके लिए एक उनका एक तरीके से सेटबैक हो जाएगा उनके लिए तो मुझे मैं इस मैच में लग रहा है दिस विल बी मेजर मेजर थिंग विच विल हैपन मिडफील्ड मिडफील्ड के मामले से देखो आई थिंक इज बेटर देन राइट नाउ

बट मुझे जो लग रहा है एटलीस्ट फॉर द लिवरपूल मैच यूनाइटेड लेवोपोल मैचोल्ड इज मिडफील्ड इज इज वीकर देन वी हैव फाइनली बैक बीकर नाउ लेस्टर वाला मैच नहीं खेला था तो उसके बाद सीधे लिवरपूल वाला मैच ही खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना अभी हम लास्ट प्रीमियर लीग में मैच कौन सा खेले थे लेस्टर से ही तो खेले थे हाँ लेस्टर से खेले थे उसके बाद हमने बारसा से खेला उसके बाद हमने न्यूकासल uh, से खेला उसके बाद हमने वेस्ट हर्म से खेला तो हाँ लिवरपूल से मैच है तो विल बी बैक

इफ यू आर स्मार्टली खेलते हैं लेबोपुल की वीकनेसेस को एक्सप्लोयर करते हैं, तो मडरेड कैन बीट लेबोपुलट लेट दिस चलो देखते हैं क्या होता है मैं पोल डाल देता हूँ उसके लिए लेबोपुल और मड्रेड के लिए लेबोपुल uh, यूनाइटेड के मैच के लिए आप लोग अपना इस पे वोट करते रहे ना?

टे वी शुड लेट इम गो लेट मी नो सब्सक्राइब कर दो जैसे अरिंदम बार, -बार कह रहा है जैसे गोकू भी बार बार कह रहा था सब्सक्राइब ट चैनल ट्वेंटी टू के फटाफट करा दो हमारे वी वॉन्ट टू इनक्रीज द पे जिससे हम ये वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स का माइल स्टोन रीच करते हैं गुड नाइट सब ध्यान रखो अपना बाय बाय